विधानसभा की पेटा चूंटणी अंगे महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। विधानसभा की पेटा चूंटणी अंगे चूंटणी पंच द्वारा जे निर्णय लेवामां आव्यो छे ते मुद्दे केन्द्रीय चूंटणी पंचनी आ बैठक दिल्ली में योजाई रही है। बिहार की चूंटणी साथ ज देशभर में पेटा चूंटणी योजवामां आवशे। नजीकना भविष्य में ज पेटा चूंटणी की तारीखों जाहिर थशे। एटले के चूंटणी पंचे जे निर्णय कर्यो छे के तमाम जे पेटा चूंटणी है ते बिहार विधानसभा की पेटा चूंटणी साथ ज योजवामां आवशे। केन्द्रीय चूंटणी पंचनी दिल्ली खाते योजायेली बैठक में आ निर्णय करवामां आव्यो छे। तो आज विषय वधु जानकारी आपवा ऑनलाइन पर उपस्थित छे अमारा संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, जिस प्रकार से बिहार के साथ ही जो चुनाव करने की जो बात सामने आ रही है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने किस प्रकार से फैसला किया है अभी? देखिए, चुनाव आयोग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इस बैठक में देश भर में जो 64 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें गुजरात की 10 सीटें शामिल है और एक लोकसभा का उपचुनाव बिहार में होना है वाल्मीकि नगर का, यानी कि कुल 65 उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर आज एक रिव्यू मीटिंग की गई थी। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि चूंकि 29 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और अक्टूबर नवंबर में बिहार में भी चुनाव पहले से तय है, तो इस लिहाज से चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि विधानसभा के उपचुनाव और बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाएगा और सही समय पर चुनाव की तारीखों को अनाउंस किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कुछ राज्यों से इनपुट आए हैं, सजेशन आए हैं कि राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं कोरोना महामारी का प्रकोप ज्यादा है, इसलिए कुछ राज्यों ने उपचुनाव टालने की मांग की थी। इस लिहाज से ये तय किया गया है कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही इन राज्यों में उपचुनाव कराए। मतलब रजनीश, गुजरात में भी जो उपचुनाव है वो बिहार चुनाव के साथ ही होने की संभावना है अब? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने यही कहा है कि 64 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और गुजरात में 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, 8 वो सीट है जो वैकेंट है और 2 सीटें हैं जिनको खाली कराया गया है, तो 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर गुजरात में चुनाव होने हैं। तो ये माना जा सकता है चुनाव आयोग के आज के अनाउंसमेंट के बाद कि बिहार के साथ ही गुजरात में भी उपचुनाव होंगे, नवंबर के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा सकती है। जी शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। तो गुजरात में 10 बैठकों की पेटा चूंटणी योजाई शके छे। नवेम्बर महीना में गुजरात में पेटा चूंटणीना पड़गम वागी शके छे। 10 बैठकों की पेटा चूंटणी करवा माटे केन्द्रीय चूंटणी पंच तैयार छे। बिहार विधानसभा की चूंटणी साथ ज देशभर में तमाम जे पेटा चूंटणी योजवा माटे केन्द्रीय चूंटणी पंचे संकेत आपी दीधो छे।